भी तो बिल्कुल। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के लोगों का काम बीजेपी रोकना चाहती है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में ये बात कही है। तो बीजेपी दिल्ली के लोगों का काम रोकना चाहती है, केजरीवाल ये साफ कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि आम आदमी जिस तरह से आपका एलजी होगा जो आपके काम नहीं रोकेगा बल्कि आपके काम दौड़ दौड़ कर करेगा। कानून व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है, हम इसे ठीक करेंगे। तो बड़े बड़े दावे केजरीवाल कर रहे हैं हर चुनावी मंच से, क्योंकि इलेक्शन है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर 4 जून को एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा कर दिया है। तो आपका आदमी आपका एलजी होगा जो आपके काम नहीं रोकेगा बल्कि आपके काम दौड़ दौड़ कर करेगा। देखिए, बकायदा एक इंटरव्यू यहाँ पर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से, जिसमें आप ये देखिए पूरी हेडलाइंस देखिए, कॉन्स्पिरेसी हैच टू द फोर्स मी टू क्वाइट एज सीएम बट आई विल नॉट रिजाइन। देखिए, उनको कहा गया है कि कॉन्स्पिरेसी की गई, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया कि उनको सरकार से बेदखल किया जाए या फिर उनको उनके पद से हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वह आपके द्वारा यानी कि जनता जनार्दन के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसीलिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। क्योंकि अब INDIA गठबंधन में आम आदमी पार्टी हिस्सा है, तो यहाँ पर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यदि हम सरकार में आ जाएंगे और यदि LG भी हमारा ही हो जाएगा यानी कि INDIA गठबंधन का हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का हो जाएगा, तो तमाम काम जो है दिल्ली के वो रुकेंगे नहीं। यानी कि साफ तौर पर ये कटाक्ष है गीतू, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जो तमाम काम रुकते हैं उसकी असल वजह जो होती है वो LG है, LG ही हर काम में रोड़ा अटकाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 4 जून को तमाम स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, तमाम स्थितियां साफ हो जाएंगी जब INDIA गठबंधन सत्ता में आ जाएगा। बिल्कुल, दावा कर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं कि INDIA गठबंधन जीतेगा और पूरी तरह से वो श्योर है इस बात को लेकर। हालांकि INDIA गठबंधन कितना एकजुट है दीपिका, ये देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, लेकिन दावे जिस तरह से किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ, तो खुद उनकी जो पार्टी है वो घोटाले के आरोप में घिरी हुई है, उनके जो बड़े मंत्री हैं वो जेल में हैं या उन पर केस चल रहे हैं। ऐसे में देश भी समझ रहा है, जनता समझ रही है कि अगर आप इनके उम्मीदवारों को जिताते हैं तो देश का भविष्य क्या हो सकता है। बड़े बड़े दावे तो हर कोई करता है लेकिन कितने जमीनी हकीकत बनते हैं ये जनता बहुत आसानी से समझती है। और अब LG का कार्ड कह सकते हैं दीपिका, यहाँ पर खेल दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अगर आप हमें इन इलेक्शंस में जिताते हैं तो यहाँ पर LG बीजेपी का नहीं होगा बल्कि हमारे INDIA गठबंधन का होगा। देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जनता के पास एक विकल्प मौजूद होना चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी को अपनी पार्टी रखने का अधिकार होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त हेतु दोहरी चुनौती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये वही शख्स हैं जो शराब का पूरा विरोध किया करते थे और शराब को लेकर ही इसी नीति को पास करवाने को लेकर अब जेल में है, जमानत पर बाहर है। एक तो उनकी अपनी छवि को पाक साफ करना होगा, दूसरी बात यह है कि स्वाति मालीवाल केस में किस तरीके से असंवेदनशीलता बरती गई आम आदमी पार्टी की ओर से, ये भी कहीं ना कहीं देश देख रहा है। तो फिलहाल ये दोहरी चुनौती है।